जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करने वाली हैं कि सीडीएस एग्ज़ाम और एफकैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है एक साथ किस तरह से की जा सकती है। देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर टाइम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि जो भी एग्ज़ाम पहले आता है उनका सारा का सारा फोकस उसके ऊपर होता है, लेकिन जब आप एक एग्ज़ाम यहाँ पर दे लेते हैं उसके बाद में दूसरे एग्ज़ाम के बीच में टाइम ज़्यादा नहीं बचता और यहाँ पर आपने अपना टाइम मैनेज भी नहीं किया होता। जब आपके पास में वक्त था आपने उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, उसका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता और यहाँ पर लास्ट में आपके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर फिर आप शॉर्टकट की तरफ भागते हैं कि जल्द से जल्द कोई बंदा बस सिलेबस करवा दे। देखिए, जब आपके पास में वक्त है, जब आपके पास में टाइम है, तब इन बातों को सोचना चाहिए कि यहाँ पर दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ में किस तरह से की जा सकती है। यहाँ पर जो आपका सीडीएस और एफकैट का एग्ज़ाम है, दोनों ही एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीडीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पर मुझे एफकैट का एग्ज़ाम नहीं देना। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मुझे सिर्फ एफकैट का एग्ज़ाम देना है, मुझे यहाँ पर सीडीएस का एग्ज़ाम नहीं देना। देखिए, आप चाहे यहाँ पर सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं चाहे एफकैट का एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ पर मेन मोटिव हमारा क्या है, मेन मोटिव है देश की सेवा करना, डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना। और यहाँ पर जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपकी एज लगभग 22 के पास में हो जाती है और यहाँ पर आपके पास में सिर्फ 2 से 3 साल का टाइम होता है इन एग्जाम्स को देने का। इसके बाद में तो इन एग्जाम्स को आप दे भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर जितना आपके पास में टाइम अवेलेबल है उसके अंदर जितने एग्जाम आप डिफेंस से रिलेटेड दे सकते हैं उन्हें देना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीडीएस का एग्जाम देना है या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ एफकैट का एग्जाम देना है, क्योंकि एक बार अगर आपका टाइम निकल गया ना तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि काश मैंने दूसरा एग्जाम दे लिया होता, काश मैंने उसकी भी प्रिपरेशन कर ली होती। यहाँ पर जब आपके पास में टाइम अवेलेबल है, टाइम आपको मैनेज करना आना चाहिए। यहाँ पर दोनों एग्जाम आपने क्लियर करने हैं, एक साथ क्लियर करने हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि सीडीएस और एफकैट एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ में आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन के ऊपर एफकैट 1 2022 का बैच लॉन्च हो चुका है, सीडीएस 1 2022, ओटीए, आईएमए, आईएनए और एएफए का बैच लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एफकैट और सीडीएस के रिगार्डिंग एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, चाहे आपके नोट्स हैं, पीडीएफ है, असाइनमेंट्स हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, यहाँ पर एक एक चीज़ आपको मिलेगी और एक ही जगह पर मिलेगी, क्वालिटी मटेरियल मिलेगा और एक एक चीज़ आपको यहाँ पर समझाई जाएगी। आपके दोस्तों ने यहाँ पर दिन रात की मेहनत करनी शुरू कर दी है, वो यहाँ पर डेली गवर्नमेंट एग्जाम फंडा से पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है और यहाँ पर एफकैट और सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं की है तो देरी मत कीजिए, एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ में जुड़ जाइए, उसके बाद में आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि जब आप दो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये देखना कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है। और टाइम मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि रफली अगर आपको सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको कितने टाइम की आवश्यकता है, यहाँ पर कितने टाइम के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कितने घंटे देने पर लगभग यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होगा तो जब आप डेली टारगेट्स डिसाइड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि एक दिन में आपको कितना पढ़ना है, आपको किस स्पीड से पढ़ना है, उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सीडीएस ओटीए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए लगभग
400 घंटे की टाइम इन्वेस्टमेंट जो है जरूरी है। अगर हम यहाँ पर IMA, INA, AFA एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑल इन ऑल 500 घंटे की टाइम इन्वेस्टमेंट जो है जरूरी रहेगी। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर एक एवरेज बच्चे हैं, आप यहाँ पर FCAT का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लगभग 120 घंटे की टाइम इन्वेस्टमेंट जो है चाहिए रहेगी। यहाँ पर जो आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपकी सही तरीके से होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बार एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप कोई टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपने अगर सही से पढ़ाई नहीं की, आपने यहाँ पर चीजों को पहली बार में सीरियसली नहीं लिया, तो अगली बार क्या होगा, दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से आपका टाइम जाएगा। यहाँ पर वैल्यू किसकी है, टाइम की वैल्यू है। इसी वजह से आपको यहाँ पर पढ़ना है और पहली बार में ही ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, ताकि यहाँ पर आपको बार बार ये टाइम इन्वेस्ट जो है ना करना पड़े। अगर पहली बार में एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप दोबारा से उसके लिए पढ़ेंगे, तो दोबारा से यहाँ पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर अगर आप CDS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपका कम से कम 3 मंथ के स्पैन में डिवाइड होना ही चाहिए, कम से कम। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कहें कि मैं लास्ट वाले 1 मंथ के अंदर 10 घंटे पढ़ लूंगा तो यहाँ पर मेरे 300 घंटे तो पूरे हो जाएंगे, फिर भी मैं एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ लेते हैं ना, तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से वही बात हो गई कि आपने टाइम तो इन्वेस्ट किया, लेकिन वो टाइम आपका काम नहीं आएगा, ना ही इस बार काम आएगा, और ना ही जब आप अगली बार एग्जाम देने जाएंगे तब वो काम आएगा। आपको दोबारा से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास में सफिशियंट टाइम होना चाहिए, और जब आपके पास में टाइम होता है तब आपको यहाँ पर उसे प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना चाहिए। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, लास्ट में जल्दबाजी करते हैं, तो होगा क्या, एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा और अगली बार आपको दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जब आपके पास में टाइम होता है तब आप टाइम की यूटिलाइजेशन करते नहीं है, और जब आपका टाइम निकल जाता है तब आपको क्या होता है कि जल्दबाजी होती है कि यहाँ पर कम से कम टाइम के अंदर कोई ना कोई बंदा जो है सिलेबस कंप्लीट करवा ले। देखिए, ऐसे कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी गलती से मार्क्स आ भी गए, एग्जाम क्लियर हो भी गया, लेकिन दोबारा अगर उस नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अगर आप CDS एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कम से कम 3 महीने का टाइम आपको खुद को देना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पर CDS एग्जाम क्लियर करने के लिए अगर आपको 3 महीने के टाइम की आवश्यकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपके पास में लगभग 100 डेज रहने वाले हैं, और ऑन एवरेज आपको यहाँ पर 4 घंटे देने चाहिए अपनी CDS की प्रिपरेशन के ऊपर। अभी यहाँ पर आपके बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे हैं, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं, तो थोड़ा सा टाइम आपका कम लग जाएगा, लेकिन ऑन एवरेज अगर आपने यहाँ पर CDS का एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं किया है, या फिर आप पहली बार पढ़ने वाले हैं, तो 4 घंटे का टाइम आपको चाहिए रहेगा। अगर आपने यहाँ पर पहले पढ़ाई कर भी रखी है, तो भी इन एनी केस आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपका यहाँ पर अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, चाहे आपका एग्जाम 5 मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ, चाहे आपका 10 से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कम से कम 2.5 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। इससे कम टाइम के अंदर जो है एग्जाम क्लियर आपका नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पर 100% कन्फर्मेशन चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके डेली टारगेट्स, डेली टाइम इन्वेस्टमेंट जो है इतनी होनी ही चाहिए, क्योंकि आज आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तभी तो कल को आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगी। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर FCAT एग्जाम की बात करते हैं, तो यहाँ पर 120 घंटे की टाइम इन्वेस्टमेंट जो है ज़रूरी रहेगी। अभी जैसे आपका दिसंबर का मंथ है, 2 मंथ के बाद में आपका FCAT का एग्ज़ाम आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर जीरो से भी पढ़ना शुरू करते हैं, तो रोज़ के 2 घंटे जो है सफिशेंट है। अगर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से आती हैं, जैसे अगर आपको मैथ्स आता है, या फिर इंग्लिश आती है, या फिर कोई भी सेक्शन,
आपका यहां पर थोड़ा सा भी रेडी है तो 120 घंटे से भी कम का टाइम आपको यहां पर लगने वाला है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आपको यहां पर कुछ भी नहीं आता, आपको यहां पर जीरो से स्टार्ट करना है, तो भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ 120 घंटे की टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगी। यानी कि अगर आपके पास में यहां पर 60 डेज है, अगर आप यहां पर डेली 2 घंटे भी दे देते हैं तो एफकेट एग्जाम की प्रेपरेशन जो है अच्छी खासी हो जाएगी और यहां पर आप आराम से इजिली एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अभी अगर हम यहां पर एफकेट और सीडीएस के एग्जाम में कंपैरिजन करें तो सबसे पहले कॉमन लिंक आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश। देखिए दोनों एग्जाम में इंग्लिश जो है आपसे पूछी जाती है, हालांकि एफकेट एग्जाम के अंदर इंग्लिश के प्रश्न सीडीएस एग्जाम के कंपैरेटिवली कम आते हैं, लेकिन एफकेट एग्जाम के अंदर जो प्रश्न होते हैं इंग्लिश के वो कंपैरेटिवली ट्रिकी होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। और एफकेट एग्जाम के अंदर रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन जो है ज्यादा स्कोरिंग रहता है, लेकिन सीडीएस के अंदर इंग्लिश का पोर्शन जो है आपका ज्यादा स्कोरिंग रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप यहां पर इंग्लिश ग्रामर की प्रेपरेशन कर लेते हैं, आप यहां पर ईडियम्स को देख लेते हैं, आप यहां पर कॉम्प्रीहेंशन या क्लॉज कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो दोनों एग्जाम में आपको यहां पर मदद मिलने वाली है। इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन तो दोनों एग्जाम के लिए आपको करना ही होता है, तो यहां पर मेन चीज ये है कि जब भी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से करिए, ताकि यहां पर एफकेट और सीडीएस दोनों ही एग्जाम में आपको मदद मिले। ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम आपके ध्यान में होना चाहिए, यहां पर आपको दोनों ही एग्जाम देने हैं। आप यहां पर दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, यहां पर देखिए कि इंग्लिश ग्रामर का जब आप पोर्शन कर लेते हैं तो एफकेट के क्वेश्चन आपसे हो पाते हैं या नहीं हो पाते, यहां पर इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन कर लेते हैं तो सीडीएस के क्वेश्चन आपसे हो पाते हैं या नहीं हो पाते। सीडीएस के अंदर तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर आपका होना ही चाहिए, लेकिन यहां पर ऑल इन ऑल ये बात है, अगर आप दोनों एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं तो यहां पर जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है इसे आप पहले रेडी कर लीजिए, यहां पर जो आपका ईडियम्स का पोर्शन है इसे आप पहले रेडी कर लीजिए, जो आपका क्लोज कॉम्प्रीहेंशन है, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है इसे आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, यहां पर जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है इसे अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फायदा क्या होगा। देखिए अगर आप एफकेट का एग्जाम देने जाते हैं बिना इंग्लिश की प्रेपरेशन किए, बिल्कुल सही बात है, बिना इंग्लिश की प्रेपरेशन किए भी एफकेट का एग्जाम निकल सकता है, लेकिन आपको यहां पर दोनों एग्जाम देने हैं। अगर आप यहां पर एफकेट का एग्जाम देने चले जाते हैं बिना इंग्लिश की प्रेपरेशन किए, तो एफकेट के एग्जाम के बाद में आपको यहां पर सफिशियंट टाइम नहीं मिलेगा सीडीएस एग्जाम के लिए इंग्लिश की प्रेपरेशन करने के लिए। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस पोर्शन को पहले से प्रिपेयर कर लेंगे दोनों एग्जाम में आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी, उसके अलावा सीडीएस का कुछ पोर्शन आपका पहले से रेडी हो जाएगा, और जब आपका एफकेट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में आप यहां पर जो पोर्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सीडीएस के एग्जाम में इंग्लिश के पूछे जाते हैं उनकी आप यहां पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यहां पर बता दूं, जब हमने टाइम इन्वेस्टमेंट की बात की है तो इससे हमें क्लियर हो जाना चाहिए, अगर हम यहां पर डेली की बात करें तो डेली आपको कम से कम 2 घंटे एफकेट एग्जाम के ऊपर देने हैं और 2 घंटे आपको यहां पर सीडीएस एग्जाम के ऊपर देने हैं। मैं मान लेता हूं कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, आपका रीजनिंग का पोर्शन अच्छा नहीं है, तो देखिए यहां पर 2 घंटे उसे दे दीजिए और यहां पर जो सीडीएस वाला टाइम है इसके अंदर 1 घंटा इंग्लिश को दे दीजिए और 1 घंटा आपका जीएस को दे दीजिए, तो यहां पर सीडीएस की प्रेपरेशन तो चलती ही रहेगी और यहां पर जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है ये आपका एफकेट के एग्जाम में भी यहां पर मदद करेगा। ऑल इन ऑल अगर हम यहां पर बात करें तो डेली आपको 2 घंटे सीडीएस एग्जाम के लिए निकालने ही निकालने हैं, चाहे आप यहां पर एफकेट की एग्जाम की प्रेपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप 2 घंटे अभी से नहीं निकालेंगे तो बाद में आपको यहां पर टाइम नहीं मिलने वाला। इसी तरह से अगर हम यहां पर जीके पोर्शन की बात करते हैं तो देखिए जो आपका जीके का पोर्शन है ना, इसकी डिमांड बिल्कुल अलग है एफकेट एग्जाम के अंदर, और जो जीके आपकी सीडीएस एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जो करंट अफेयर्स आपके सीडीएस के अंदर पूछे जाते हैं, इनकी डिमांड बिल्कुल अलग है। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि अगर आप एफकेट की फैक्चुअल जीके कर लेते हैं तो कई बार सीडीएस एग्जाम के अंदर जो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं 2 या 3 वो आप कर पाए, लेकिन यहां पर कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली, यहां पर
CDS GK की प्रेपरेशन जो है आपको अलग से करनी ही पड़ेगी और अच्छे से करनी ही पड़ेगी। इसी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया है, CDS एग्जाम के लिए आज से 2 घंटे आपको निकालने ही निकालने हैं, जिसमें से कम 1 घंटे का टाइम आपको GK पोर्शन के ऊपर देना ही होगा आज से। धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर FCAT एग्जाम के अंदर फैक्चुअल GK आपसे पूछी जाती है, इसके लिए हमारी एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर कंपाइलेशन अवेलेबल है, जिसके अंदर कंप्लीट स्टैटिक और फैक्चुअल GK आपको देखने को मिलेगी FCAT एग्जाम के रिलेटेड। वहां पर 130 टॉपिक्स की लिस्ट है। अगर आप उन टॉपिक्स को डेली पढ़ते हैं, यानी 4 से 5 टॉपिक्स को, और उन्हें पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ आधा घंटा यहाँ पर लगेगा और FCAT एग्जाम की GK जो है आपकी आराम से प्रिपेयर हो जाएगी एग्जाम तक। इसी वजह से डेली आपको 1 घंटा देना ही देना है CDS एग्जाम की GK के ऊपर, और यहाँ पर FCAT एग्जाम की जो GK है इसे आपको यहाँ पर डेली पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। सिर्फ 20 से 30 मिनट निकालने हैं और हमारी FCAT GK ईबुक को फॉलो करना है। और यहाँ पर GK के लिए गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर सफिशेंट है, 101% सफिशेंट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है CDS एग्जाम के GK पोर्शन के लिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर मैथ्स पोर्शन की बात करें, अगर आप IMA, INA, AFA के लिए प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो FCAT का मैथ्स का पोर्शन है ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो FCAT एग्ज़ाम के अंदर मैथ्स आएगा उसे आप यहाँ पर पहले प्रिपेयर कर लीजिए, और CDS एग्ज़ाम के अंदर जो आपका मैथ्स आने वाला है, यानी जो टॉपिक्स आपके सिर्फ CDS एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, उन टॉपिक्स को यहाँ पर आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले आप FCAT एग्ज़ाम के अंदर जो कॉमन टॉपिक्स हैं मैथ्स के, उन्हें यहाँ पर प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पर OT एग्ज़ाम के लिए अपीयर करते हैं, उनके लिए यहाँ पर मैथ्स का पोर्शन अलग रहता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। FCAT एग्ज़ाम के अंदर जो मैथ्स के प्रश्न पूछे जाते हैं वो लिमिटेड है, जो टाइप्स आपसे पूछी जाती हैं लिमिटेड है, वहाँ पर टॉपिक्स आपके लिमिटेड है, यानी बहुत कम टाइम के अंदर यहाँ पर FCAT का जो मैथ्स का पोर्शन है ईजिली कवर किया जा सकता है। मैथ्स के पोर्शन के अलावा आपको यहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन देखने को मिलेगा FCAT एग्ज़ाम के अंदर, और यहाँ पर जो रीजनिंग का पोर्शन है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर FCAT एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो रीजनिंग के पोर्शन के अंदर स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से FCAT एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के टाइम पर जो डेली आप 2 घंटे इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसमें से ज़्यादातर टाइम आपका रीजनिंग पोर्शन के ऊपर जाना चाहिए और यहाँ पर मैथ्स पोर्शन के ऊपर जाना चाहिए। अगर तो आप IMA, INA, AFA की प्रेपरेशन करते हैं तो CDS की प्रेपरेशन में ही इसका मैथ्स हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर रीजनिंग और GK का पोर्शन ही करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर OT एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 घंटे का जो डेली का आपका टाइम है, उसमें से ज़्यादातर टाइम आपका रीजनिंग पोर्शन के ऊपर, मैथ्स पोर्शन के ऊपर जाना चाहिए, और साथ में आधा घंटा आपको यहाँ पर निकालना होगा FCAT के GK पोर्शन के लिए, और इतना आपका यहाँ पर सफिशेंट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात हमारी यहाँ पर ये आती है कि टाइम आपका बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और यहाँ पर डेली आपको 4 घंटे निकालने ही निकालने हैं, और आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप सोचने में टाइम जो है वेस्ट करते रहें। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे दिन नहीं बहुत सारे महीने निकाल देते हैं सिर्फ सोचने में, सिर्फ प्लान करने में कि यहाँ पर क्या पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए। इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है, यहाँ पर 1 दिन ले लीजिए, 2 दिन ले लीजिए, लेकिन उसके बाद में कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बता दूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आप 2 एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक एक दिन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक एक घंटा आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी चॉइसेस क्लियर होनी चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं और कितना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि डेली 4 घंटे का टाइम आपको निकालना ही निकालना है अगर आप यहाँ पर CDS और FCAT एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर सिर्फ CDS एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हैं तो भी आपको यहाँ पर डेली के 3 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं। इसी वजह से आपकी जो चॉइसेस हैं बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू है, अगर आप यहाँ पर टाइम को बचाना चाहते हैं, अगर आप टाइम को सेव करना चाहते हैं, इधर उधर भटकना नहीं चाहते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा जो है एफकेट और सीडीएस एग्जाम के लिए प्रॉपर कोर्सेज अवेल करवाता है। और यहाँ पर एक एक चीज आपको समझाई भी जाती है। जब आप सीडीएस एग्जाम की जीके खुद से पढ़ेंगे ना, तो टाइम आपका काफी ज्यादा लगेगा। वही चीज जो आप 2 घंटे में पढ़ेंगे, वही चीज मैं आपको यहाँ पर आधे घंटे में करवा दूंगा और यहाँ पर आपको समझा भी दूंगा। इसी वजह से अगर आप यहाँ पर टाइम बचाना चाहते हैं और यहाँ पर लिमिटेड टाइम के अंदर दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट कीजिए और यहाँ पर एफकेट 1 2022 का बैच और यहाँ पर सीडीएस 1 2022 के बैच में एनरोल कर लीजिए। टाइम निकल गया तो बाद में पछताएंगे, अभी टाइम आपके हाथ में है तो आज ही डिसाइड कीजिए, आज ही एनरोल कीजिए और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर जो आपकी टाइम की इंपॉर्टेंस है ना, इसे बताने की आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बड़े से बड़े बंदे से मिल लीजिए, वो बंदा कहेगा कि मेरे पास में इतना पैसा है, मैं सारी चीजें खरीद सकता हूँ, लेकिन टाइम को नहीं खरीद सकता। एक बार टाइम निकल गया तो बाद में आप पछताएंगे। आप क्या करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, अटेम्प्ट के अटेम्प्ट आपके निकल जाते हैं, उसके बाद में भी आपको पता नहीं चलता कि आपसे गलती कहां पर होती है। अगर कहीं पर भी गलती है तो उसे सुधारिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो कंसिस्टेंट हो जाइए। अगर आपको चीजें समझ नहीं लगती हैं तो चीजों को समझिए। अगर प्रैक्टिस में कमी है तो प्रैक्टिस कीजिए, गलती को ढूंढिए, उसे सुधारिए, प्रैक्टिस करिए और एग्जाम यहां पर क्लियर करिए। और दोबारा से कह देता हूं कि एक ही बार में ऐसे पढ़िए कि दोबारा आपको यहां पर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा से सेम टाइम आपको इन्वेस्ट ना करना पड़े सेम चीजों के ऊपर। एक ही बार में पढ़ना है, एक ही बार में यहां पर एग्जाम क्लियर करना है और यहां पर दोनों एग्जाम हमें क्लियर करने हैं और गवर्नमेंट एग्जाम फंडा दोनों एग्जाम क्लियर करवाने में आपकी मदद करेगा। बस आपका साथ चाहिए, आज ही जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपने फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए नहीं, अपना टाइम बचाने के लिए यहां पर एफकेट के बैच में एनरोल कीजिए, सीडीएस के बैच में एनरोल कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।